दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये गुंजी जगह है और ये आदि कैलाश यात्रा जो है आपका स्वागत है करके दिखाया। ये आदि कैलाश जाता है, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है और ये जो गुंजी शहर है ये गांव देख सकते हैं ऊपर। और ये 40 किलोमीटर पक्का है और ये 40 किलोमीटर करीब जो नीचे कच्चा है जो ये 30 किलोमीटर सियालिक वहाँ से बुद्धि 30 और ऐसे ऐसे करके यहाँ से करीब 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अपना ढाचूला। तो मैं यहाँ से लेके गुंजी से अपना आदि कैलाश तक का रास्ता दिखाऊंगा आपको। और ये नवी गांव है गांव और ये वाइब्रेटिंग विलेज के नाम से भी जानता है जाना जाता है। तो देख सकते हैं गांव है और बड़ा गांव है, नेटवर्क वगैरह भी है। और आगे और एक गांव पड़ेगा वो कुट्टी करके, बस एक ही दो गांव पड़ते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कम से कम पेड़ पौधे तो हैं लेकिन आगे चल के कोई जीवन भी नहीं है। तो पत्थर वगैरह दिखाएंगे आप तो। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनता है। इतना जानकारी देना इतने दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल हो जाता है। आप देखोगे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, 2-4 हज़ार के आसपास, बड़ा मुश्किल से, क्योंकि ये इतना डेंजरस इलाका है। यहाँ आना सबके बस की बात नहीं, मतलब हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी खर्च होता है बहुत, ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहाड़ है और जो रास्ता दिखा रहा हूँ ये अभी नया बना है, बहुत अच्छा रास्ता है, नहीं तो पहले ऐसे रास्ते हुआ करते थे जो ये मतलब 40 किलोमीटर मतलब 2 घंटा, अब तो ये 1.5 घंटे का ही सफ़र है। और ये ब्रिज बन रहा है और बन जाएगा जब ज़्यादा नहीं 2 दिन में, देखो। और ऐसे देखो पानी वानी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों से पानी बहुत आता है। तो ये सब है और बड़े निर्गम रास्ते हैं, सांस की प्रॉब्लम रहती है। हाइट 12,000, 9,000, 10,000 ऐसी हाइट है। आदि कैलाश है वहाँ 14,700 फीट के आसपास लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा है। शाम टाइम मौसम डाउन हो जाता है तो कोट वगैरह का और सर्दी कपड़े का कैदी करें आते हैं कभी। तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा दिखाते जाऊँगा आपको, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट का वीडियो है, देख लो तो रास्तों का एक जो है यहाँ से वहाँ तक पता चल जाएगा कैसा रास्ता है। तो कभी आते हो तो कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा आप लोगों का। तो ये जो गांव आगे आ रहा है ये कुट्टी गांव है, तो यहाँ पे जियो है नेटवर्क, तो जियो आपको मिल जाएगा नेटवर्क यहाँ पर। और गुंजी में भी जियो है, ठीक है, और बीएसएनएल भी है, शायद बीएसएनएल यहाँ भी है मुझे पता नहीं, लेकिन जियो तो है। और यही कुछ है सब गांव ऐसा देख लो। होम स्टे लिखा हुआ है, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। किराया अप्रोक्स मान चलो आप 2,000 रुपये पर नाइट। और खाना पीना तो महंगा है क्योंकि खाना जो है नीचे से आता है, बरेली पिथौरागढ़ धाचूला वहीं से राशन आता है पूरा। तो ये है तो रास्ता तो सिंगल भी है लेकिन ठीक है अभी फ़िलहाल, तो नया बना है, ये आगे बारिश होगा क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे रास्ते हैं, आपको पहाड़ भी दिखाऊंगा एक दो। और ये देखो मैं खड़ा होकर थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ आपको, उस सामने देखो बर्फ गिरी हुई है और आपको यहाँ के जो पत्थर हैं वो ऐसा लग रहा है ज्वाला कभी फटा हो, काले काले पत्थर हैं जगह पे, देखा लेके चलता हूँ आपको। और लास्ट वीडियो देखना कैसा लगा वो बताना। ये देखो और सामने देखो तो पूरे काले पहाड़ है, ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी ज़्यादा फटा हो, वो वहाँ से सड़क के यहाँ तक आए हुए हैं, आपको वीडियो में लग नहीं रहा है लेकिन वो लुढ़क के आए हुए हैं। तो यही है, ये देखो वो बिल्कुल निर्गम पहाड़ियाँ, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा पहाड़। और बर्फ गिरी पड़ी अभी, ये जुलाई का लास्ट महीना है तो देख सकते हैं। और अभी 1-2 महीने बाद तो यहाँ तो बिल्कुल ही सीरियस मौसम हो जाएगा, बिल्कुल पैक हो जाएगा ये बर्फ़ से। तो यही सब है, तो कोशिश करूँगा जितना भी हो दिखा सकूँ आपको। तो ये आ गया अपना आदि कैलाश, ठीक है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है और वो सामने पर्वत है।
दिखा दूँगा आपको। देखो 14,700 फीट लिखा हुआ है, बैंकुंठ वाद के रास ये मंदिर है। अपना रेस्ट वेस्ट करो, बैठो, ठीक है। और जोलिंगकांग पीछे गांव है जस्ट पास में, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी आपकी, आप रुक भी सकते हैं। और यहाँ पे पार्वती कुंड भी है और भी दो तीन जगह है, इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये आदि कैलाश है सामने पर्वत है। दर्शन सबको होते नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलता है ये, हमेशा बादल रहते हैं, बर्फ भी जमी रहता है इसमें। तो ये आदि कैलाश दर्शन कर लो, अभी हमें माथा टेक लेते हैं थोड़ा। जय हो प्रभु, देवों के देव महादेव। तो माथा टेक लिया और ये त्रिशूल है, शंकर जी की तीसरी आँख देख सकते हैं, ये देखो और पर्वत दर्शन है। सावन का पहला ही दिन था हमारा, तो बहुत अच्छा भाग्यशाली हूँ मैं, देखने का मौका मिला। वो भी बादल हट गया, हटता नहीं जल्दी, हट गया। तो आप लोग दर्शन कर लो, जय हो महादेव। और इसी के साथ वीडियो जो है ना संपन्न करेंगे। और क्या, ये देखो आपको जोलिंग को दिखा देता हूँ, जोलिंग कौन वहाँ पे रह सकते हैं आप, सामने पीछे जस्ट पीछे लगा हुआ है। और तीसरी आँख है, तो ये सब है वीडियो धीरे धीरे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। छोटी छोटी जानकारी से क्या है, एक सारा मिलता है आप लोगों को कि आने जाने सफ़र कैसा होता है, कैसे रास्ते हैं। तो मैंने छोटा मोटा हिंट दे दिया बस, और क्या है, ठीक है। तो यही है, और आओ कभी, बहुत लेकिन दूर बहुत पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।